तो फ्रेंड्स वेस्टडे को मार्केट बिल्कुल भी नहीं हिली, पर जो लेवल कहे थे कि जैसे कि 10 वेमा निफ्टी का कहा था कि राइजिंग है, तो राइजिंग 10 वेमा को इसने सपोर्ट की तरह काम दिया और सारा दिन वही खड़ी, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं आई। कारण ये था कि अगले दिन छुट्टी थी तो उस वजह से भी नहीं हिली। यहाँ कहा था 49,658 सपोर्ट का काम करेगा, तो सारा दिन सपोर्ट का काम करता रहा, बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं। और मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की मार्केट में कोई पैसा आप सबका बना होगा, और वैसे भी ट्रेड करने लायक भी ये दिन नहीं था। ऐसे ही 22,500 पे सपोर्ट कहा था, सारा दिन उसी के आसपास मंडराती रही। और फिर अगर हम आए आगे आगे मिड कैप में, तो मिड कैप में भी वही जो लेवल 12,470 जो मैंने कहा था भैया कि अगर ये टूटा तो पेन क्रिएट होगा, एग्जैक्टली उसके ऊपर ऊपर रही और 20 एमए को रिस्पेक्ट देने की पूरी पूरी कोशिश की। कारण 20 एमए राइजिंग था, राइजिंग 20 एमए ने इसे रोक कर रखा मिड कैप निफ्टी। तो इस तरह से बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं, काफ़ी बोर दिन था और उबासी लेने वाला दिन था एक तरह का, काफ़ी ज़्यादा बोर था, बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल हिलजुल नहीं थी। और अब फ्राइडे, अब सीधा फ्राइडे को मार्केट खुलेगी, फिर से सैटरडे संडे छुट्टी है, तो हो सकता है दोबारा वैसा हो। पर इस बीच दो बड़ी बड़ी बातें जो बीच में हुई हैं वो ये है, सबसे पहली तो हिंडरबर्ग मामला। हिंडरबर्ग बेचारा शॉर्ट करके बैठा है, पर उसे मलाई मिल नहीं रही जो क्रीम वो खाना चाहता था। तो अब उसने एक आरोप लगाया था कि जो सेबी चेयरपर्सन है माधवी भुज, उनका अडानी ग्रुप के साथ मलेशिया के अंदर एक 10 मिलियन डॉलर का एक, उसने कहा था एक अकाउंट है मलेशिया में, और उसने वहाँ पे उन्होंने शेल कंपनी कोई खोली थी। पर इस बीच मलेशिया ने ये बात क्लियर कर दी है कि हम कभी भी किसी भी शेल कंपनी को मंजूरी नहीं देते, और ना कोई शेल कंपनी हमारे यहाँ कोई अकाउंट खोल सकती है, और ना कोई इतिहास में भी, पूरी हिस्ट्री में भी ऐसा कोई हमारे पास अकाउंट नहीं है जो इनके नाम पे हो, अडानी और माधवी भुज ने मिलकर खोला हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हिंडनबर्ग का ये पैंतरा भी फेल हो गया। अब एक चीज़ मैं और आपको याद दिला दूँ कि पिछली बार भी जब हिंडनबर्ग ने एक अफवाह फैलाई थी अडानी ग्रुप की, तो उस टाइम भी जब जोर से मार्केट गिर गई थी और लोग सभी उसके हिंडनबर्ग के झांसे में आ गए थे, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में अगर किसी ने की थी, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट काफी ज्यादा गिर गई थी और अडानी के स्टॉक काफी ज्यादा गिर गए थे, तो सबसे ज्यादा खरीदारी हिंडनबर्ग ने ही अडानी ग्रुप में की थी। तो ये चीज मैंने आपको जरूर ये बताई है क्योंकि आपकी नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए कि हिंडनबर्ग करता गया। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी है, वो अक्सर पहले शॉर्ट करती है और उस मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करती है जो मार्केट सबसे ऊपर हो। इस टाइम इंडियन मार्केट हमारी सबसे ऊपर चल रही है। आज से जब साल पहले भी उसने ऐसा किया था, तो साल या 6 महीने पहले, तब भी हमारी मार्केट टॉप पे थी। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मार्केट गिरे, और इस टाइम, उस टाइम तो वो खूब कमा गया, काफी करोड़ों रुपए कमा गया उसके चक्कर में। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी झिड़का सेबी को भी कि इस तरह की जो कंपनीज होती है एफआईज, इनका इनकी पार्टिसिपेशन को इतना कम करो कि ये हम अपने हिसाब से मार्केट को चला ना सके। तो खैर एफडीआई को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो रोकना गलत है। एक कंपनी को रोकने के चक्कर में बाकी की कंपनीज को अगर रोक देंगे तो उसका हमारे देश का ही नुकसान है। तो फिर उसको नहीं रोका गया, पर ये जरूर है इस बीच रिटेलर्स का पैसा इतना ज्यादा आ चुका है कि मार्केट में हमारी हिस्सेदारी काफी ज्यादा हो चुकी है। इवन इतनी ना एफआईज की रही है ना डीआईज की रही है। हाँ डीआईज की इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि उनके थ्रू ही हमारी सिप जा रही है और लोग डायरेक्ट भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारी मार्केट काफी स्ट्रोंग है। और जितना जरूर जोर पूरा लग रहा है हिंडनबर्ग का, लगातार कोई ना कोई पैंतरा फेंकता है और वो पैंतरा फेल हो रहा है उसका। तो इस तरफ भी आपने इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है, और जैसे जैसे न्यूज में कोई रोज नया नया से नया आरोप लगा रहा है वो, तो उन आरोपों को पढ़ते रहो, अपने आप को अप टू डेट जरूर रखना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर जो बात है वो है यूएस का सीपीआई डाटा। यूएस का सीपीआई डाटा कल आ गया है, काफी कंफर्टेबल आ गया है, 2.9 आया है, जबकि एस्टिमेट मैंने आपको बताया था कि 3 आया था, और ओरिजिनल कितना था पिछली बारी बार 3 ही था। मतलब कुल मिलाकर ये काफी गिर गया है,
और फेड का टारगेट था 2.2, 2.4 से 2.4 के एरिया में, और 2.9 आ गया। फेड जो चाहता था बिल्कुल नज़दीक आ गया। अब मेरे हिसाब से अब इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए। वैसे भी वहाँ जो कहा जा रहा है मार्केट के अंदर, अब आवाज़ ये आ रही है कि 40 बेसिस पॉइंट फेड इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है सितंबर की मीटिंग में। तो इस तरह से मार्केट्स पहले ही जबरदस्त उछाल में है, कल काफ़ी उछली हैं यूएस और टेक की मार्केट। और एक चीज़ और बता दूं, कोर सीपीआई डाटा भी वही आया जो एस्टिमेट था। पहली बार है मैंने इनका एस्टिमेट बिल्कुल एग्जैक्ट देखा है, मतलब 3.2 आया है। एस्टिमेट 3.2 था पिछली बार, 3.3। कोर सीपीआई भी कम होकर आया है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें अब सब पॉजिटिव है मार्केट के लिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं है अब। और डाओ फ्यूचर भी ठीक है और नैसडैक भी सही है। और क्रूड नीचे आ गया है, जब से मैंने आपको बताया था कमेंट्री में, जो टेलीग्राम में मेरी सुबह कमेंट्री आती है, तो उसमें मैंने बता दिया था कि अब नई डेवलपमेंट हुई है कि जो ईरान ईरान है वो खुद चाहता है कि सीज फायर हो जाए, और उसने कहा है कि अगर इसराइल हमास के साथ सीज फायर करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मतलब अब उसके बदला बदला लेने की कोई वो ऐसी नीयत नहीं है। अब हो सकता है अब युद्ध ना हो, तो अब सब कुछ ठंडा पड़ गया। तो यही कारण है कि क्रूड वापस नीचे आ रहा है, और डॉलर इंडेक्स भी कंट्रोल में है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी कंट्रोल में है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है। और गिफ्ट निफ्टी जरूर नीचे है, वो है 18 पॉइंट नीचे। ये क्यों नीचे है आप पूछोगे कि भैया ये क्यों नीचे है, ये इसलिए नीचे है कि ये भी हिंडनबर्ग के मामले से डरा हुआ है। इसे अब यही समझ नहीं आ रही गिफ्ट निफ्टी को कि अब जो मार्केट फ्राइडे को खुलेगी वो इन सब न्यूज को कैसे लेते हैं, क्योंकि रोज की रोज कोई नया शगुफा छोड़ रहा है, वो नहीं चाहता कि मार्केट रिकवर हो। तो इसलिए थोड़ा गिफ्ट निफ्टी डरा डरा सा है, और हमारी मार्केट भी थोड़ी डरी डरी सी है, क्योंकि मार्केट दोनों की सुन रही है, उधर हिंडनबर्ग की थोड़ा थोड़ा सुन रही है, इधर सेबी की भी सुन रही है कि सेबी क्या कह रहा है। तो कुल मिलाकर बातें बीच में अटक गई हैं। अब क्योंकि थोड़ा सा एक और चीज झूठ निकल आई है उसकी हिंडनबर्ग की, तो अब हो सकता है कि पॉजिटिविटी हमारी मार्केट में आए। बाकी नैसडैक बढ़िया है, बहुत बढ़िया जा रहा है। मैंने आपको बताया था जैसे ये निकलेगा एकदम से शॉर्ट कवरिंग आएगी, आई और काफी अपवर्ड जा रही है। 90,578 तक ये शाम तक या रात तक जा सकती है, मतलब इस तरफ से सब ठीक है। और एक चीज और क्लियर हो जाती है कि इस टाइम हमारी मार्केट में आईटी सेक्टर सबसे बढ़िया है। अगर सबसे बढ़िया कुछ चल रहा है तो आईटी सेक्टर है, तो आपका फोकस भी अब आईटी सेक्टर की ओर ज्यादा होना चाहिए बजाय के दूसरे शेयर्स पर। तो उसके बाद डाओ फ्यूचर अगर हम देखें, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी 10 MA 20 MA क्रॉस कर गया है। अब इसमें भी ब्रेकआउट आ गया और शानदार 40,430 की ओर इसने कूच कर दी। तो कुल मिलाकर बढ़िया है, और मेरे हिसाब से गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर होके 174 के ऊपर एटलीस्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है, इतना घबराने वाली कोई बात दिख नहीं रही। अब अगर हम आए FIDI डाटे पे, तो रोज की तरह FIs ने फिर सेलिंग की है। ये वही है हिंडनबर्ग, इसी में घुसा हुआ है, यही वही बेच रहा है बार बार। और इंडेक्स फ्यूचर ये भी माइनस है, और स्टॉक फ्यूचर भी माइनस है, और DIs ने बिल्कुल कंपनसेट किया है इसके बराबर इक्वल लाने में मार्केट को। तो यही कारण था कि मार्केट गिरी भी नहीं, एक जगह खड़ी रही, सारा दिन दोनों के बीच में फाइट चलती रही। ठीक, दोनों के बीच में बड़ी टक्कर है इस टाइम जबरदस्त, तो वो चल रही है, वो कंटिन्यू है। और अगर हम FIDI डाटा अगर डिटेल में करें, तो 9 लाख कॉल राइटर कॉल जो कॉल राइट की थी वो रिमूव की है FIs ने, और 6,77,000 जो पुट है वो रिमूव की है। इसके मुकाबले जो लॉन्ग थे वो रिमूव किए हैं, कॉल रिमूव पुट रिमूव भी की है, मतलब एक्सपायरी थी इसलिए सब कुछ रिमूव किया है। पर इस डाटे से ये जरूर निकल के आता है कि FIs ने काफी ज्यादा सेलिंग की और DIs ने बेचा है, तो ये कम्बिनेशन हमेशा काफी अच्छा होता है, इसे अच्छा माना जाता है। चाहे FIs बाय करे और DI बेचे, चाहे DI बाय करे जो FI बेचे, तो एक कम्बिनेशन बिल्कुल बराबर तकड़ी बन जाती है। तो ये एक तरह की एक अच्छी चीज होती है, इसको पॉजिटिविटी लेना चाहिए। और अगर हम देखें पुट शॉर्ट के मुकाबले कॉल शॉर्ट ज्यादा रिमूव करना और कॉल लॉन्ग ज्यादा रिमूव करना पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग के मुकाबले में, तो ये सारा कम्बिनेशन ये बताता है कि जो कल फ्राइडे को स्पोर्ट स्ट्रोंग होनी चाहिए। ये सिर्फ प्योरली FI डाटे पे हम निकालते हैं,
और रेजिस्टेंस वीक होना चाहिए, मतलब मार्केट बाय ऑन डिप वाली बननी चाहिए फ्राइडे को। इस तरह की मार्केट, एक अंदाजा है ये, इसे पक्का ना समझा करो, एक जजमेंट होती है, कंक्लूजन होता है कि स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, रेजिस्टेंस वीक होना चाहिए फ्राइडे को, मार्केट बाय ऑन डिप बननी चाहिए जिस तरह का ये सारा माहौल अब बना है। तो अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए 50,000 पे ही बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग हो चुकी है और नीचे 49,500 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है, मतलब अब पेन क्रिएट होगी 49,450 के नीचे और शॉर्ट कवरिंग आएगी 50,100-200 के ऊपर। तो इस तरह का मतलब कि सारा सिनेरियो नीचे की ओर खिसका है। और अगर हम आए इसके कंपोनेंट्स पे कि बैंक निफ्टी क्या कोई चांसेस हैं, तो चांसेस ये हैं कि अगर इसमें कोई फिर से रिकवरी दिखी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 MA तक अपने आप को ICICI बैंक खींच सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, पर अभी ये रेजिस्टेंस के नीचे है तो इससे भी कोई अच्छी खबर नहीं दिख रही है ICICI बैंक से। HDFC जरूर अपने आप को मेंटेन कर रहा है 1587 के ऊपर, तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखा सकता है। एक्सिस बैंक भी सपोर्ट के ऊपर है तो ये भी पॉजिटिविटी दिखा सकता है, और SBI भी 800 से सपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था कि 800 पे सपोर्ट है, तो वहां से सपोर्ट लेके कोशिश कर रहा है कि वो ऊपर की हो जाए। मतलब कुल मिलाकर साइन तो पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी देखने वाली बात होगी क्या ऊपर के रेजिस्टेंस तक शो क्रॉस करते हैं ये बैंक्स या नहीं। अब अगर हम आए चार्ट पे तो चार्ट क्लियर बताता है कि जो चीज मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में कि 49,650 पे अच्छी खासी सपोर्ट है और अब तो 49,500 पे भी इवन काफी ज्यादा पुट राइटर आ चुका है, तो इसलिए पेन क्रिएट वाला लेवल मैंने नीचे कर दिया है, वो हो गया 49,450। 49,450 टूटा तो पेन क्रिएट हो गई अब, वरना नहीं। नीचे के जो लेवल है 300, 230 और 920 इंपॉर्टेंट होंगे। अब ऊपर की ओर आते हैं, ऊपर की ओर ये दिख सकता है आपको फिर से कि यहाँ सपोर्ट लेती हुई नजर आ सकती है 650 पे, 49,650 पे। दो बार अब बैंक निफ्टी सपोर्ट ले चुकी है, तीसरी बार भी यहाँ सपोर्ट ले सकती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट ली तो ऊपर के जो लेवल होंगे 49,870 और 50,000, ध्यान रहे 50,000 पे 20 VMA भी अब फॉलिंग 20 VMA है, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जैसे ये वेस्टडे की मार्केट को ये करता रहा है, और 100 MA भी फॉलिंग ही है। अब शॉर्ट कवरिंग जो बनेगी वो बनेगी 50,100 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, पर ये शॉर्ट कवरिंग ज्यादा बड़ी नहीं दिख सकती है आपको, कारण ये है कि ऊपर साथ के साथ 10 MA भी है, तो थोड़ा बहुत अगर 100 के ऊपर भागी भी तो बहुत थोड़ा भागेगी, ज्यादा नहीं भागेगी, क्योंकि साथ के साथ 50,300-372 के आसपास यहाँ पे काफी ज्यादा एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि फॉलिंग 10 MA इसके पास ही, तो ये कोई ज्यादा इंजॉयलेबल मूवमेंट नहीं रहेगा इतना ज्यादा, क्योंकि 1 मिनट लगता है बैंक निफ्टी को भागने में तो गिरने में। तो इस एरिया से आपने संभल के रहना है, जो चुस्त ट्रेडर है वही इसमें पार्टिसिपेट करे, वरना दूसरा नहीं। दूसरा ये है कि 50,500 पे भी कॉल राइटर है, पर अब मान लो 500 क्रॉस हो भी गया तो क्या ऊपर फिर से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब ये सारी मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी कॉम्प्लिकेटेड सी है। असली शॉर्ट कवरिंग जो क्रिएट होगी वो तभी क्रिएट होगी जब तक हम इन सारे वेमे एमओ को क्रॉस नहीं कर सकते, ये क्रॉस करने काफी जरूरी है। 20 MA 806 पे है, 50 MA 786 पे है, 10 MA 760 पे, तो ये सारे 3 MA जब क्रॉस कर देगी तब जाके सही शॉर्ट कवरिंग क्रिएट होगी, और वो ये लेवल है 50,850 का लेवल, ये सबसे बेस्ट लेवल होगा। अगर इसके ऊपर आई तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और ये शॉर्ट कवरिंग आपको कहाँ तक लेकर जा सकती है उसके जो लेवल है वो नोट कीजिए 970, 51,126, 22,360, 552, 660 और 780, 800 तक आपको खींच के लेकर जा सकती है। मतलब पॉसिबिलिटी अगर कुछ कहीं दिख रही है तो 50,850 के ऊपर ही दिखती है मेरे हिसाब से। जब तक 50,850 क्रॉस ना कर दे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी से जितना आप दूर रहेंगे अच्छा रहेगा।
आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके पैसों के लिए भी अच्छा रहेगा, और हर एक चीज़ के लिए इसमें अच्छा रहेगा। अब अगर हम आए निफ्टी पे, तो निफ्टी में एक चीज़ तो आप सबको क्लियर है कि 24,000 पे जबरदस्त फुट राइटर खड़ा है। कब से खड़ा है? ये हमेशा ही खड़ा है, 1 महीना हो गया, ठीक है ना। तो 100 पे भी पुट राइटर है, ऐसा मतलब इसमें बेरिशनेस नहीं नजर आ रही। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर अब बुलिश है पूरी तरह, आईटी सेक्टर निफ्टी को ऊपर खींच रहा है। और अगर फार्मा और एफएमसीजी भी पार्टिसिपेट कर दें तो क्या कहने फिर। तो इसलिए आईटी सेक्टर से ज्यादा उम्मीद है, इस वजह से यही कारण है कि पुट राइटर काफी ज्यादा खड़ा है नीचे, सिर्फ आईटी साइट सेक्टर के बलबूते पर। ऊपर की ओर 24,200 पे कॉल राइटर खड़ा है, 300 पे भी खड़ा है, 400 पे खड़ा है, 500। इसका भी क्या रीजन है? यहाँ पे सारे वैम्मे एमए छाए हुए हैं, सारे गिर रहे हैं नीचे की ओर, फॉलिंग वैम्मे एमए है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर हम आए इसके निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स पे, तो अगर ऑटो सेक्टर में देखें तो महिंद्रा महिंद्रा ये स्ट्रगल कर रहा है। अगर इसके अंदर कोई गैप अप ओपनिंग हो जाए तो क्या कहने, फिर ये निफ्टी को ऊपर खींच सकता है। ल्यूपिन लगातार वही जो रेजिस्टेंस बताया था वहां से नीचे गिरा, ये मार्केट को नीचे खींच रहा है। एलटी भी नीचे खींच रहा है। इंफोसिस मैंने आपको पहले बताया था कि ये खींचेगा ऊपर की ओर, क्योंकि ये आईटी सेक्टर का कंपोनेंट है, तो आईटी सेक्टर पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। रिलायंस लगातार 10MA को टक्कर दे रहा है, बार बार उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि ये सजडे को क्या करते हैं। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसने जो कैंडल भी बनाई है बड़ी डोजी टाइप सी बनाई है, तो इसलिए ये पार्टिसिपेट भी कर सकता है, ऊपर भी खींच सकता है, ये नीचे भी खींच सकता है। रिलायंस में कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि बार बार ये 10MA तक तो जाता ही है, उस टाइम तो निफ्टी को ऊपर खींच ही लेता है, फिर जब गिरता है तो दूसरे स्टॉक पार्टिसिपेट अच्छा कर देते हैं, जैसे HDFC बैंक वगैरह, तो ये संभाल लेता है HDFC बैंक रिलायंस में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो। तो अब हम आते हैं निफ्टी पे। देखिए निफ्टी इस टाइम राइजिंग 10 VMA के ऊपर संभली हुई है, और सारा दिन DIs ने अच्छी कोशिश की है, हमारे रिटेलर्स ने भी, कि 10 VMA ना टूटे। 10 VMA है 24,121 पे, और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिलवाई है, कोशिश पूरी की है कि इसके ऊपर रहे। अब सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है? एक तो आपको क्लियर बात पता है कि 24,000 पे सपोर्ट है, और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे 50 MA भी आ गया है, तो बहुत बड़ी सपोर्ट बन चुकी है ये। दूसरा 24,121 पे भी सपोर्ट है। अगर इस एरिया से मार्केट निकली और बाइंग दिखी तो ऊपर के जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे 230, 260 और 300। ध्यान रहे अब 24,300 के आसपास ही क्रिएट हो चुका है रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस यही खत्म नहीं होता, उसके बाद 350 पे भी 20 MA आ चुका है। ये दोनों फॉलिंग है, फॉलिंग जो होते हैं मूविंग एवरेजेस, बड़े खतरनाक रेजिस्टेंस होते हैं। तो इस टाइम जो रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है वो बन चुका है 24,250 टू 350 का सारा एरिया स्ट्रोंग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब जो शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ 550 के ऊपर जाकर पॉसिबल है, उससे पहले कहीं नजर नहीं आ रही। थोड़ी बहुत अगर नजर कहीं आ रही है तो वो 430 के ऊपर पॉसिबल है, पर ध्यान रहे 473 के आसपास लोग फंसे हुए हैं, ये फिर से रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे। तो इसलिए ये सारा एरिया भी एक नो ट्रेड जोन बना हुआ है निफ्टी का, ये वाला सारा एरिया, तो कोशिश करो इस एरिया में बिल्कुल दूर रहो। नीचे जहां बताया 24,000 एक अच्छी स्पॉट है जहां से बाइंग नजर आ सकती है। ऊपर की ओर शॉर्ट कवरिंग अगर कहीं पॉसिबल है तो वो पॉसिबल है 24,550 के ऊपर ही। 24,550 के ऊपर अगर आई तो शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, और ऊपर के जो लेवल होंगे 614 और 650 ये रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक कीजिए, उसके अलावा जो डीमैट अकाउंट का लिंक दिया वहां से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो इस तरह से अगर हम सारा सिनेरियो समरी करके देखें तो इसमें आप देखेंगे कि जो हिंडनबर्ग का पैंतरा वो मलेशिया ने फेल किया है, और CPI डाटा 2.9 आया है तो फेड खुश होगा, और नैसडेक और डाओ जोन से अच्छी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है उस तरफ से, तो कुल मिला के पॉजिटिविटी की सेंस है। ईरान ने भी कदम पीछे हटा लिया है युद्ध से, तो इस तरह से ठंडी हवाएं दिख रही हैं हमें अच्छी तरह की मार्केट के अंदर। अब
थोड़ा सा पॉजिटिविटी आनी चाहिए, पर ये देखने वाला होगा कि क्या हिंडनबर्ग का डर अभी भी मार्केट के ऊपर है या नहीं। ये फ्राइडे को मार्केट बताएगी, जब ट्रेड होगा तब पता चलेगा कि मार्केट इन सब चीज़ों को कैसे ले रही है। तो कुल मिला के ये था कंप्लीट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।